हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। चैप्टर 3.1 में हम एंटर करने जा रहे हैं, एंटर कर चुके हैं वैसे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ लोकल नोड्स क्या होने वाले हैं। हमें यहाँ पे टीम लानी है स्किल वाली, जो कि डैमेजिंग डिबफ डालते हैं, जैसे निक फ्यूरी हो गया, डेडली ओरिजिन हो गई, या स्किल में ब्लैक पैंथर हो गया, जो भी ब्लीड ब्लीड जो भी कुछ डैमेजिंग डिबफ वो डालते हैं, तभी आपको फ्यूरी मिलेगा। और इफ द इस वाले देखो, वैनम पूल वाले पास में क्या है कि 3% से ज्यादा ये एक हिट में नहीं लेगा, मतलब आप एक हिट में 3% से ज्यादा डैमेज नहीं दे पाओगे इसको। अब इस वाले पाथ पे यही लोकल नोड है। इस वाले पाथ पे क्या लोकल नोड है कि हर 10 सेकंड पे इनको एनर्जाइज बफ पैसिव मिलता रहेगा, लेकिन ये एनर्जाइज आप रिमूव कर सकते हो जैसे ही आप अपना रेलिक यूज करोगे। ठीक है, तो रेलिक बाइंड करके लाना इस पाथ के लिए, ताकि एनर्जाइज से जल्दी पावर गेन ना कर पाए, बार बार आप रिमूव कर पाओ। ओडिन वाले पाथ पे क्या, हर 20 सेकंड के बाद में कोई भी बफ या डीबफ दोनों चैंपियन में से हट जाएंगे और रिसेट हो जाएगा। और हैमडल वाले पाथ पे क्या है कि जब भी ये डैश फॉरवर्ड करेगा, हमें हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, ये सारे डीबफ्स को प्यूरिफाई कर लेगा और डीबफ इम्यून भी हो जाएगा, मतलब आप तब इसको पैरी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो पाथ लेने वाले हैं वो होने वाला है मॉडो वाला, तो हम यहाँ पे चलते हैं जल्दी से। एंड हाँ गाइज, मैंने आप लोगों को बॉस के नोड नहीं पढ़वाए हैं। बॉस हमारा कॉस्मिक है, स्क्रीम है, यहाँ पे उसके लिए मैं लेके आया हूँ CGR और ब्लैक विडो क्लायर पॉइंट। देखो अब इस पे क्या लोकल नोड लगे हुए, लोकल नोड ये है कि हर 5 सेकंड के बाद में इसे पियर्सिंग बफ मिलेगा, जो कि 400% की पोटेंसी के साथ होगा। एक बार ऑफ पावर अगर इसका है तो इसे फ्यूरी मिलेगा, 2 बार ऑफ पावर इसका है तो प्रिसिशन मिलेगा, 3 बार पे तो आपको पता ही एक रिलेटिव मिल जाएगा इसको। हर 10 सेकंड के बाद में इसका आर्मर अप होगा, और जब भी आप इसको मारोगे आपको ब्लीड डीबफ मिलेगा, मतलब आपको ब्लीड इम्यून चैंपियन लेके आना है यहाँ पे। और हर 18वें सेकंड पे अगर आपने इसको इम्यून टू न्यूट्रलाइज एंड स्टार्ट विद डिफेंडर, हाँ अगर आपने इसको स्टैगर नहीं डाला या फेट सील नहीं डाला तो ये अनस्टॉपेबल होगा, साथ ही साथ में ये एम्बोल्डन भी हो जाएगी 6 सेकंड के लिए। ठीक है, तो मतलब आपको अगर आपके पास और कोई चैंप नहीं है तो भाई स्टैगर डालो इस पे। ठीक है, डूम ला सकते हो आप, फेट सील के लिए आई थिंक लॉन्ग शॉट भी काम कर जाएगा। चलो फिर चलते हैं यहाँ पे जल्दी से, फाइट खत्म करते हैं। पहली फाइट हमारी मॉडो के साथ है, एंड यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन ही लेके जाऊं, क्योंकि डैमेजिंग डिबफ डालती है। हमें यहाँ पे रेलिक्स बाइंड करके लाने हैं ताकि एनर्जाइज बफ जो है वो हटे इन पे से, हर 10 सेकंड के बाद मिलेगा तो वो हटाना इंपॉर्टेंट है, वरना पावर गेन बहुत जबरदस्त होगा। ओके, जितनी बार डैमेजिंग डिबफ प्यूरिफाई होगा हमें 10 फ्यूरी मिलेगी टोटल, और डैमेज भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, मैं स्पेशल टू फेंकने देते हैं इसको। अरे छोड़ दे भाई, स्पेशल नहीं छोड़ा इसने, अब छोड़ देगा। स्पेशल 3 पे गया, फिर छोड़ा इसने स्पेशल 3 अपना, बट एनी वे कोई बात नहीं। आई थिंक ये मर चुका है 10 फ्यूरी, हाँ मर चुका है। ओके, अगली चिरकुट वाली फाइट पे चलते हैं। ओके, आ गए एक और चिरकुट फाइट पे, एंड निपटाते हैं इसको जल्दी से। 2 फ्यूरी मिलने वाली है, मिल गई। ओके, 4 फ्यूरी होने वाली है हमारी, अट तेरी तो ऐसी की तैसी। ये हटाया हमने यहाँ से एनर्जाइज। अरे 10 फ्यूरी आ गई, मर गया आई थिंक सो। ओके मर गया, आगे चलते हैं चिरकुट फाइट पे। आ गई एक बहुत ही ज्यादा बकवास फाइट, अनोइंग फाइट बोल सकते हैं एक टाइम पे इसको। वेड के चक्रों में बड़ी मार पड़ जाती है यार कभी कभी। आहा, अपने पास 5 फ्यूरी है ना, ले भाई तू स्पेशल ले यार। अपने पास 9 फ्यूरी आ चुकी है, 5 टेक्टिकल चार्ज करने हैं, वेड फेल्ड हो जाएगी। चल भाई, इवेड फेल्ड है,
आराम से लपेटो। अब ये चिरकुट से भी चिलगोजी वाली फाइट हो गई। खाली आराम से मारो। नहीं यार सच्ची में, कभी कभी गाइस आसान फाइटें मुश्किल हो जाती है। कोई बात नहीं, निपट गई। आगे चले। अब अगर निक फ्यूरी मर ही रहा है तो मरने देते हैं इसको। मरते मरते भी हमें अटैक रेटिंग बढ़ाते जाएगा तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। 2, 3, 5 होने वाली है हमारी फ्यूरीज। सारी फ्यूरी हटा दी इसे मेरी। ओके 5 हो गई वैसे भी। ओके बचेगा नहीं अभी। एनर्जाइज भी हटा दिए इसके हमने एंड आई थिंक ही इज डेड। आगे बढ़े। इसके बाद एक और फाइट है हल्क के साथ में एंड उसके बाद में हमारी स्क्रीम के साथ फाइट है, तो वो देखते हैं क्या होगा वहां। बाकी फ्यूरी इसने ले हमारी वो कर ली काउंटर स्पेल, बट पैसिव फ्यूरी को क्या करेगा ये। 3 हो गई है वैसे भी। 5 अभी 3 और मिलेगी हो जाएगी 9। हट तेरी तो ऐसे की तैसी। एनर्जाइज भी हटा दिया एंड ही इज डेड। कल तेरी तो। अब है हल्क से चिरकुट वाली फाइट, फिर उसके बाद चलते हैं बॉस पे। वो महा चिरकुट फाइट है, जल्दी से लपेटते हैं इसको। बॉस फाइट भी करनी है भाई। ओके फ्यूरी जल्दी से निकालते हैं। आई थिंक 5 फ्यूरी आने वाली है अभी। 4, 5, 6 हो गई। 7, 8, 9 बस इमोर्टलिटी बच गया भाई। इमोर्टलिटी आती तो लग गए थे अपने। फाइट है हमारी स्क्रीम के साथ में ये, लेकिन इम्यून किसके है कुछ इम्यून है। ब्लीड डाल सकती है हम पे इतना पता है। इफ अ पर्सन ब्लीड इज प्रिवेंटेड बाय इम्यूनिटी इन्फ्लिक्ट 2 आर्मर ब्रेक। ओके इम्यूनिटी गाइस इसको नहीं है किसी भी चीज की, होनी तो चाहिए थी यार, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो होगा, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। हाँ तो चलो फिलहाल यहाँ पे लपेटते हैं इसे। ओके फाइट है स्क्रीम के साथ एंड ये आ गया ये। ओके पियर्सिंग बफ आ गया है तो काफी ज्यादा डैमेज प्रोवाइड कर सकती है हमें। डैमनेशन डाल दिया है, गलत समय पे आ गया शायद डैमनेशन। ओ भाई ये क्या डाला इसने। ओके ठीक है ठीक है भाई ठीक है ठीक है। ऑटो ब्लॉक कर रही है क्या, नहीं। ओके फिर से ये आने वाली है अनस्टॉपेबल। अब इसका स्पेशल 2 भी देख लेते हैं, दिखा दे भाई क्या मार रही है। ओके थोड़ा सा पैसिव लग रही है मुझे, होनी नहीं चाहिए थी बस। ओ बच गई। रीजनरेशन मार रही है यार। ओके आई थिंक लपेट ली, आसान थी यार, ज्यादा कुछ है नहीं। सीजीआर लेके कोई भी ब्लीड इम्यून चैंप ले आओ यार, आराम से हो जाएगी। इसी के साथ में 3.1 हमने कर लिया है कंप्लीट। मैंने सारे पाथ के नोट्स बता दिए हैं, अगर नहीं समझ में आते कमेंट करो। तो मिलता हूं जल्दी से 3.2 पे। बाय बाय।